डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन। इट इज पार्ट वन। राइटर्स नेम डेनोरा Deborah Collin has written in this poem The Sound of Music. For it is essential to higher sound of the musician. In the poem, the poet has described about a 17 years old girl really she was different yani kavi ne yani Deborah Collin kavi ne is kahani mein द साउंड ऑफ म्यूजिक में एक ऐसी लड़की का वर्णन किया है जो श्रवणहीन है, यानी आप कह सकते हैं कि वह बाहरी है, वह सुन नहीं सकती है, लेकिन उसके पास चेतना शक्ति है, कॉन्शसनेस पावर, शी हैज कॉन्शसनेस पावर। वह चेतना शक्ति रखने वाली लड़की है और इस चेतना के माध्यम से वह सुंदर संगीतज्ञ बनने की चेष्टा करती है। इस क्रम में वह एक सुंदर गायककार के रूप में अपने संगीत को इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए यानी वह लंदन के लिए रवाना होती है। रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। रश आवर क्राउस जॉस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म है, जहां पर काफी भीड़ भरी हुई है। इतनी अधिक भीड़ कि लोग आगे बढ़ने के लिए भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे हैं, यानी जौसर कर रहे हैं, जौसर में से धक्का मुक्की करना, धक्का मुक्की कर रहे हैं। उस भीड़ में एक नन्ही बच्ची जिसकी उम्र 17 साल या उससे कुछ कम लग रही है, वो बहुत उत्साहित है और भीड़ देखकर घबराई हुई है। वह अपने चेतना शक्ति के द्वारा रेलगाड़ी के आने की कंपन को महसूस कर रही है। इतना उसके पास सोचने की शक्ति है कि वह महसूस कर रही है कि रेलगाड़ी अब आने वाली है। और आज उसे लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रथम दिन के कार्यक्रम में भाग लेना है। इसलिए वह तरुणी, वह युवती जो स्कॉटलैंड के फॉर्म से आई थी, आज कुछ भयभीत लग रही थी, लेकिन उसके पास महत्वाकांक्षा थी। वह किसी संगीतज्ञ से अपने को कम नहीं समझती थी। देयरफॉर एस्पिरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, सी वाज परफॉर्मिंग डिफ, लेकिन उसका इस बात का एहसास था कि मैं सुन नहीं सकती, मेरे पास श्रवण शक्ति की कमी है। उस लड़की का नाम है एवलिन ग्लेनी, जिसकी श्रवण शक्ति का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। उसकी मां को बच्ची में कुछ
गड़बड़ दौर का स्मरण करती है जब 8 वर्षीय एवरिन पियानो बनाने का इंतजार कर रही है। जब 8 वर्ष की थी लड़की एवरिन ग्रेनी, जब वह पियानो बजाने के लिए प्रयासरत है, उस समय उसकी माँ उसका नाम लेकर पुकारी, लेकिन उस लड़की पर जब कोई असर नहीं पड़ा, वह नाम को अनसुनी करके हिली जुली भी नहीं, तो उसकी माँ को अचानक एहसास हुआ यह लड़की नहीं सुनती है, इसकी श्रवण शक्ति कम है। ऐसा उसकी माँ इजाबेल ग्रेनी का कहना है, लेकिन वह लड़की एवरिन ग्रेनी इस बात को छिपाकर रखी थी अपने मित्रों और अध्यापकों से। जब वह 11 वर्ष की हुई थी तो उसने कम अंक प्राप्त किए थे और उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से यह कहा था कि किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर से इसे इलाज कराए, क्योंकि इसकी जो श्रवण शक्ति की नाड़ी तंतु है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। अच्छा होगा किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर के श्रवण यंत्र इस लड़की को लगवा देना चाहिए। उसके अध्यापक ने उसके लड़की के गार्जियन को सलाह दी और इस लड़की का नामांकन किसी विकलांग के विकलांग विद्यालय में करवा देना चाहिए, जहां पर बधिरों के लिए पढ़ाई की अन्य व्यवस्थाएं उत्तम व्यवस्थाएं हैं। एवरिन कहती है अचानक सभी चीजें काली दिखाई देने लगी उसके सामने, लेकिन एवरिन दृढ़ प्रतिज्ञ है, बट एवरिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। वह जो दृढ़ निश्चय कर ली है संगीतज्ञ बनने की, वह उसे छोड़ नहीं सकती। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए और संगीत में अपनी रुचि बनाए रखने के लिए कृत संकल्प थी। एक दिन उन्होंने एक लड़की को जायरोफोन बजाते हुए देखा था और उसने निश्चय किया था कि वह भी इसे बजाना चाहेगी। इस मार्ग में कई शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित भी किया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट पर क्यूजनस रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन उसके जो ढोल और तबला के मास्टर थे जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स, उस लड़की की क्षमता को परख दी। उसने 2 बड़े ढोलों को भिन्न स्वर में बजाना आरंभ किया, यानी उस ढोल से कई अलग अलग स्वर निकाल करके शिक्षक ने उस लड़की को दिखाया, समझाया और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत श्रवण करो, इसे किसी अन्य तरह से अनुभव करो। He would say, try to sense it some other way. Eleven कहती है अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कमर के ऊपर से बड़े ढोल को तथा कमर के नीचे से छोटे ढोल को रिदिम के साथ, यानी लय और ताल के साथ, है ना, इस आवाज को अनुभव कर रही थी। रॉन फॉर्ब्स ने अभ्यास को कई बार दोहराया और उस आवाज को एवरिन ने पाया कि वह अपने शरीर के भिन्न भागों में उस आवाज के सुरों का अनुभव कर रही है। मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर की आवाजों तथा कंपन को सुनने के लिए खोलना सीख लिया था,
ऐसा एवलिन ने दृढ़ निश्चय किया और वह कठोर परिश्रम करने का निश्चय किया। She never looked back from the point onwards. उस दिन के बाद वह लड़की कभी भी कुछ पीछे मुड़कर नहीं देखी। उसने एक नवजुवर ऑर्केस्ट्रा संगीतज्ञों का जो समूह होता है ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम जिसको इंग्लैंड कहते हैं यूनाइटेड किंगडम उसका दौरा किया और उस समय उसकी आयु 16 साल की थी। जब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया श्री ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ हर 3 इयर्स कोर्स। यानी एक छोटा संगीत प्रदर्शन जिसमें डायरेक्टर सुनिश्चित करता है कि वह व्यक्ति जो संगीत में भाग लिया है वो किस लायक है। उस एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इसमें वो संगीत प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा कार से एकल संगीत कार्यक्रम करने लगी। उसने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की समाप्ति तक सर्वाधिक शीर्ष इनाम अर्जित कर लिए थे। यानी बहुत ज्यादा इनाम जीत ली थी। She had captured most of the top awards, यानी सर्वोत्तम पुरस्कार को अर्जित कर ली थी। नेक्स्ट फर्दर ऑन यू सी एंड फॉर ऑल दिस एवलिन विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सभी के लिए एवलिन ने वीरांगनीय उपलब्धि का कोई चिन्ह भी स्वीकार नहीं किया। अगर आप सख्त परिश्रम करते हैं और जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं आप निश्चित वहां पहुंचेंगे। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू शैल गेट देयर एंड सी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउंड आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और वह ठीक कुछ शिखर पर पहुंची। विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय विविध प्रकार के वाद्य यंत्र संगीतज्ञ जिसकी लगभग 1000 से अधिक संगीत यंत्रों में कुशलता थी तथा उसका अत्यंत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। यानी लेबर नेवर गॉन इन वेन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। नेक्स्ट पारा इट इज इन ड्रूइंग इट टू वॉच एवरी फंक्शन टू एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। एवरी को श्रवण शक्तिहीनता के अभाव में बिना अधिक परिश्रम के कार्यरत देखना बड़ा रोमांचक लगता है। कभी कहता है कि एवरी जो है संगीत विद्या में निपुणता प्राप्त करने के लिए वो हमेशा अपने कार्य में रत रहती थी, लगी रहती थी और उसका अपने कार्य के प्रति मग्न रहने में लेखक को बड़ा अच्छा लगता था। इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे की चर्चा के बाद उसने कोई भी शब्द अनुसरण नहीं होने दिया। वह हंसी, लंबी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे कष्ट देते हैं। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मेन विद ब्यूटी बियर्स एंड बुशी बियर्स की मिट्रो शी लाफ्ड शी लाफ्ड नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स। सुनने का अनुभव करने के लिए केवल ओठों को ही नहीं देखना होता है, पूरे चेहरे को देखना होता है, विशेष रूप से आंखों को देखना होता है। श्री सी एस टेक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिफ्ट। माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। वह स्कॉटलैंड के रहने में बिना रोके बोलती है। वह कहती है मेरी बोली स्पष्ट है
क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। यानी वह लड़की कहती है कि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुनने में सक्षम थी, परंतु इसमें यह वर्णन नहीं किया जाता है कि उसने किस प्रकार फ्रेंच को सीखा और कैसे मूल जापानी में संपूर्ण ज्ञान को अर्जित किया। इसका विवरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट यू सी एड फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स। जहां तक संगीत की बात है वह कहती है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के अंग अंग में बहता है। यानी उस लड़की के शरीर के अंग अंग में संगीत का प्रवाह होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन्स माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर व्हेन शी प्लेज द जायरोफोन। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। वह कहती है कि यह त्वचा जो मेरे शरीर की त्वचा है, चमड़ी है, मेरे गालों की हड्डियां तथा मेरे बालों में सनसनाहट पैदा करते रहते हैं। जब वह जायरोफोन को बजाती है तो उसे आवाज का क्षणों से होकर उसकी उंगलियों के सिरे तक पहुंचने का आभास होता है। ढोल के साथ झुककर वह ध्वनि की गूंज को अपने शरीर में बहते हुए अनुभव करती है। लकड़ी के तख्ते पर वह अपने जूतों को निकाल देती है ताकि कंपन से उसके नंगे पैरों और टांगों से होकर संगीत की लहरी बहे। यानी वह लड़की भले ही कम सुनने वाली है या नहीं सुनने वाली है, वह अनुभव के आधार पर, चेतना के आधार पर संगीत के सारी कलाओं को परखती है, समझती है। नेक्स्ट उसी इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंद प्रदान करती है। नॉट सुपर सिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सन 1911 में रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी के विशिष्ट सम्मानित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर इनाम द्वारा इस लड़की को पुरस्कृत किया गया। जेम्स ब्लेड ढोल मास्टर कहते हैं ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली है। जेम्स ब्लेड गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु उसके बदले उसने उस लड़की को कुछ विशिष्ट गुण दिए हैं। जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे हम सभी से अधिक गंभीरता से अनुभव करती है। कहने का मतलब है कि वो लड़की की श्रवण शक्ति कम है लेकिन चतन शक्ति, अनुभव करने की शक्ति उसके पास बहुत अधिक बढ़ गई है। इसी कारण से वह संगीत को इतनी सुंदर ढंग से पेश करती है। दिस इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इतनी सुंदर ढंग से अपने संगीत को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू सी एवरी कन्फेसेस दैट शी समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। एवरी कहती है कि उसे काम करने की लत है, यानी वर्कहोलिक, काम करने की आदत है, ऐसा वो कन्फेस करके समझती है। मुझे अभी काज करना है, शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी कठोर काम करना है, परंतु उसके इनाम भी बहुत अधिक है। नियमित सभाओं के सिवा एवलिन जेल व अस्पतालों में निःशुल्क संगीत का आयोजन करती है। जेल में जहाँ पर रोगी लोग अपने जीवन से निराश हताश रहते हैं, जेल में कैदी अपने जीवन से हताश निराश रहते हैं, उन हताश निराश लोगों के जीवन में संगीत का रस घोलना चाहती है, उन्हें जीवंत बनाना चाहती है, इसलिए इनके बीच वह अपना कार्यक्रम देने में प्रसन्नता महसूस करती है। वह युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को शीर्ष वरीयता देती है। वह युवक व युवतियों के क्लासों में जाकर के संगीत विद्या के बारे में समझाती है, बताती है। अनरिचमिन जो बहरे बच्चों के बीथोवन फंड से संबंधित है,
बिथोवन ढंग से संबंधित है, वह बहिर बधिर बच्चों के लिए जबरदस्त प्रेरणा है। जो विकलांग बधिर बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जहां वे नहीं जा सकते अर्थात वे सब कुछ करने में सक्षम है। देसी गो जहां वे जा नहीं सकते परंतु उस कार्य को करने में सक्षम है। एंड लास्ट द टॉपिक 10 पैराग्राफ, एवरी ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, शी हैज प्राउड परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोंस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। एवरी ग्लेनी ने अपनी उम्र की दुगनी उम्र के व्यक्तियों से अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, यानी अपने उम्र की दुगनी उम्र से भी अधिक लोगों से भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। वह ढोल और तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा से भी आगे ले गई और वह प्रयोगक्षण किया कि यह ढोल और तबला वादन हृदय को स्पर्श करने वाला हो सकता है, यानी इसकी आवाज मधुर हो सकती है, लोगों के लिए अत्यंत आनंददायी हो सकती है। एवलिन ने उन लोगों को प्रेरणा प्रदान की है जो अपंग है, विकलांग है, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं अगर वह इसे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और यह कोई कम नहीं है कि उसने लाखों लोगों को आनंद प्रदान किया है। ऐसा एवोरा कॉले जो लेखक हैं वो कहते हैं कि विकलांग व्यक्ति को आत्महीनता का अनुभव नहीं करना है, बल्कि ईश्वर ने प्रेरणा का स्रोत उसके चेतन शक्ति को अत्यंत मजबूत बना दिया है, जिसके बल पर वह अपनी विकलांगता को दरकिनार करते हुए और अपने ज्ञान को सर्वाधिक ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। इसलिए विकलांग जो लोग हैं, जिसको दिव्यांग भी कहकर कह सकते हैं, वह इस संसार में हर प्रकार से पूजनीय है, आदरणीय है और उसकी कला को नमन करने योग्य है। थैंक्स। नेक्स्ट डे आई शैल टीच यू द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट 2। थैंक्स ऑल ऑफ यू। बेस्ट योगे।